राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। सभी 200 विधानसभा सीटों पर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर आम आवाम को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हुए हैं। इस दौरान नवतेज टीवी की टीम ने अलवर ग्रामीण विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी जयराम जाटव से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। दंगल राजस्थान का एपिसोड आपको हर विधानसभा क्षेत्र की खबरें दिखा रहा है और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में अलवर ग्रामीण के भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव जी। इनके साथ में सीधी बातचीत करेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनावी दंगल में उतरे हैं, कितनी सीटें राजस्थान के अंदर बीजेपी प्राप्त कर पाएगी, कितनी कांग्रेस की सीटों पर हार होगी, सीधे सवाल सीधे जवाब। जाटव जी, आपका स्वागत है नवतेज टीवी। अलवर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुझे पहले लिस्ट में घोषित किया। मैं दो बार विधायक रहा हूँ, 2003 से 8 तक विधायक रहा खैरतर से, और 2013 से और 2018 के बीच में जहाँ से अब चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ से पहले विधायक रह चुका हूँ, और अब की बार तीसरी बार मुझे चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से अलवर ग्रामीण की जनता का जो रुझान है ना, मैं लगभग अभी तो 50-60 गांव में घूमा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि एक तरफा माहौल है, कांग्रेस का वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस को तो शायद ये गांव में जाएंगे ना कांग्रेस के प्रत्याशी उनके साथ थे, वहाँ इनकी मीटिंग होंगी नहीं। मेरा तो अभी जो भव्य स्वागत करते हैं गाँव के लोग, या मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50 कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और वहाँ गांव के लोगों ने खुद के अपनी व्यवस्था करके खुद टेंट लगाते हैं, डीजे बजाते हैं, खाने की व्यवस्था कराते हैं और सब प्रोग्राम करते हैं गांव के अपने खर्चे से। तो यहाँ जनता का जो रुझान है ना वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा है मेरे पक्ष में। आपके उन कार्यों को देखकर जनता, आपके इस रुझान को देख के, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को देखकर? दरअसल मैं 5 साल में जो MLA रहा यहाँ से, मेरे टाइम में काम हुए थे, पानी, सड़क, बिजली, स्कूल। अब यहाँ मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहा है ना वो कैबिनेट का मंत्री था, अब तो नहीं है, लेकिन उसने केवल भूमाफियों का काम किया है, प्रॉपर्टी काम करता था, ओने पड़े में दाम जमीन खरीदना, सिवाय चक, गोचर, बंजड़ और मंदिर माफी या कब्रिस्तान की ज़मीनों को खरीद लिया उन्होंने, और इसलिए से लोगों में नाराज़गी है। पैसा तो कमाया उसने लेकिन जनता वोट देगी नहीं उसको। मेरे पक्ष में इसलिए रुझान ज़्यादा है कि मेरा जो 5 साल का कार्यकाल का जो विकास कार्य है, आज भी गांव बोलता है, हम गणाते लोगों के बीच में, मेरी सड़क है, मैंने पानी का काम कराया था, 5 साल में ये टीकराम झूली रहा यहाँ से, काम नहीं हुआ कुछ। जनता की फिलहाल समस्याएं क्या हैं जब जनता आपके पास में आती है? अलवर ज़िले में मेन समस्या पानी, अलवर ज़िले में पानी नहीं बचा है, और हमारे यहाँ जब मैं 13 से 18 विधायक था, हमने श्रीमती वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के DPR बना के रखी, उसमें थोड़ा संशोधन पत्र लिखना था, और वो आज भी DPR पेंडिंग पड़ी है, अशोक गहलोत ने उसको कंप्लीट नहीं किया, फाइलों को दबा दिया गया। दबा दिया किन कारणों से? ये तो जनता जनता के लिए है, जनता को ज़रूरत है, जनता की समस्याएं थी। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस ये कहती है 20 बार चक्कर कटाओ, 20 बार उसमें काम भी आधा दो, फिर आधे के लिए फिर चक्कर काटेंगे, जितना तुम चक्कर कटाओगे उतना वो आपको जो है फायदा पहुँचाएंगे। ये काम में विश्वास रखते नहीं, कांग्रेस झूठ में विश्वास रखती है ज़्यादातर। चलिए बीजेपी पार्टी की बात करें तो राजस्थान के अंदर जैसे ही भाजपा की सूची जारी होती है तो विरोध शुरू हो जाता है, उसी पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी का विरोध करना शुरू कर देते, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं, ये तो सभी दलों में है। जैसे हमारे यहाँ से नगर विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में पड़ता है, वहाँ से अनिता जो वो थी दाईमा गुजरी थी, उसको टिकट नहीं दिया और जवाहर सिंह बेडम को दिया, तो थोड़ी बहुत नाराज़गी रहती है, लेकिन वो उसको शांत कर दिया, आराम से बैठ गई, उसने मना कर दिया चुनाव लड़ने से, तो 2-4-5 दिन रहती है नाराज़गी।
जिस तरीके से गुटबंदी बताई जा रही है बीजेपी के अंदर, वसुंधरा राजे को बैकफुट पे लाया गया, अंत में उनकी जो लिस्ट जारी की गई, क्या इन चीज़ों का कुछ माइनस पॉइंट जाएगा? नहीं, गुटबाजी नहीं है, हम सारे कमल के फूल के हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी सर्वोपरि हमारे लिए, गुट कुछ नहीं है, ये तो खाली वहम है, शक है, कोई गुट है ही नहीं। कांग्रेस की तरफ से जो योजनाएं लाई गई, क्या इस इलाके में वो योजनाएं पहुंची? बहुत से वायदे भी किए उन्होंने। कांग्रेस को योजनाएं नहीं लाई, पानी, सड़क, बिजली कोई योजना नहीं, खाली घोषणा, योजना थी नहीं, आम जनता को पता है कोई योजना नहीं है उनके पास, कोई शिक्षा, चिकित्सा, पानी, कोई योजना नहीं है। अक्सर ये होता है जब चुनाव आता है तो नेता जनता के पास में जाती है, चुनावी मुद्दों को लेकर जाती है, समस्याओं को लेकर जाती है, आप किन समस्याओं के लिए जनता को प्रेरित कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में फिर से आपको बैठाया जाए? अपने यहाँ अलवर जिले में सबसे बड़ा मूल मुद्दा पानी का, पीने का, और कोई मुद्दा नहीं है। सड़कें थोड़ी बहुत देखो, इन 5 साल में जो सड़कें टूटी हैं, मेरे कार्यकाल की सड़कें जो बनी वो टूट गई, और फिलहाल बनी नहीं, वो सड़कें तो बनेंगी। स्कूलों में जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय करा दिए, वह भवन नहीं है, वो व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी, टंकी, इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलिए, अगर आपकी राजस्थान की बात करें तो बीजेपी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? लगभग 150 सीटें आएंगे भाजपा। आपको बीजेपी ने फिर से मौका दिया, एक प्रत्याशी बनाया, आप कितनी वोटों के मार्जिन से जीत पाएंगे अपने क्षेत्र में? शायद अलवर जिले में सबसे ज़्यादा वोट से जीतूंगा, 50,000 ज़्यादा जीतूंगा, अलवर जिले में रिकॉर्ड बनेगा मेरा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जाता हूँ ना जहाँ, और रात को हमारा प्रोग्राम एक दिन 6 बजे समाप्त होना था, हम रात को 10 बजे गए तो वहीं लोग बैठे मिले थे, उत्साह है लोगों में। उत्साह और प्यार है आपका? सब प्यार है। चलिए, साधन कार्यकर्ता अपने साधन से आते हैं, ये जितने पदाधिकारी अपने साधन लाए हैं, गाड़ी लाए हैं, और वो साधनों से, ये सरपंच साहब बैठे हैं, ये इमरान खान मेव है, मुसलमान है, अपने साधन से प्रचार कर रहा है, मेरा कर रहा है, वो जाफर बैठा गाड़ी लाया अपनी, सारे लोग अपनी गाड़ी लाते हैं, मेरे पास तो बहुत पुरानी गाड़ी पड़ी है सामने, वो एक मेरी वो गाड़ी है, उससे चलता हूँ मैं, बाकी सब कार्यकर्ता लाते हैं। अक्सर बीजेपी अगर नेताओं की बात करें मैं तो बड़ी बड़ी फॉर्चूनर गाड़ियां होती हैं, हमने देखा है अभी 35 से 40 विधानसभा कर चुके हैं हम। नहीं, फॉर्चूनर गाड़ी तो लिया है, लेकिन मेरे पास तो फॉर्चूनर की व्यवस्था थी नहीं, मैं चुनाव भी जो है ना, ये जनता माता लड़ा रही है, पैसे भी यही दे रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा खर्चा भी ये चला रहे हैं, मैं तो खाली अपने कपड़े पहन के आ जाता हूँ और वहाँ ट्रैक पर चलता हूँ, चलो भाई कहाँ चलना है। नेता विधायक बनने के बाद में जनता को भुला दिया जाता है, जो वायदे किए जाते हैं उन पर खरा नहीं उतरा जाता, तो अगर फिर से जनता आपको बनाती है, विधानसभा में लेके जाती है, क्या आप फिर से उन वादों पर खरे उतरोगे? दरअसल में जो पैराशूटी है, जो ऊपर से मतलब सीधा कहीं, जो उसको ज़मीन का पता नहीं है, गांव का पता नहीं, वो आदमी वो भूल जाते जनता को। आप सर मेरा रिकॉर्ड आप देखेंगे, पूछेंगे तो आप कहेंगे ताजुब करो, मैं सरपंच भी रहा हूँ, जिला पार्षद रहा हूँ, 2 बार MLA रहा हूँ, और MLA मैं 2003 में बना, गृह मंत्री थे राजस्थान के संपत राम जी, उनके सामने जीता हूँ मैं, और मैंने पैसे भी नहीं लगाया, पैसा था ही नहीं मेरे पास, मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ मैं पैसे मेरे पास होते नहीं है, तो फिर जीतता हूँ, लोग लड़ा देते पैसे। चलिए, अगर संपत्ति की बात करें हम, संपत्ति जब चुनाव होता है उसमें कम दर्शाई जाती है, लेकिन जब 4-5 साल बाद बड़े बड़े पेट्रोल पंप हो जाते हैं, बड़ी बड़ी खदान हो जाती हैं, तो इसके लिए क्या कहें? दरअसल में महत्वाकांक्षी होता है व्यक्ति, वो एक दरअसल में कोई भी आदमी है ना, नेता के ऊपर आरोप आते हैं, अगर उसने पैसा कहीं से नहीं कमाया तो कहते हैं सारा चूतिया, मौका मिला नहीं कमाया, और कमा लिया उसने तो सारा बेईमान, खा लिया उसने तो, ये तो सब जान, ये भगवान श्री कृष्ण से भी, महादेव से भी कोई खुश नहीं था, वो पार्वती कह रही थी कि ये तो गरीब, इसको तो बहुत अच्छा परेशानी है, तो उसने गरीबी को मेट दो, तो उसने गरीबी को मेटना चालू किया, तो मैं सब गरीब मेट दे, तो दूसरे दिन उसका मकान का किसी काम चल रहा था, वो सारे बाजार में 50 रुपये की मजदूरी, वो कह रहा 200 रुपये ले लो, को मजदूर चलो को था ही नहीं, तो ये समस्या तो भगवान से भी नहीं मिट सकती,
वादे उसमें नहीं मिटी, ये चलती रहती है। चलिए जनता को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता का प्यार है, जनता के दरअसल में जो डिमांड है या उनकी मांगे हैं और उनके जो काम है वो करने चाहिए। मैं जहाँ बैठा हूँ ना, इसका नाम है कस्बा डेरा। क्या है? कस्बा डेरा। मैं जब 2013 में विधायक बना था, ये कस्बा डेरा के 10-20-50 जो गांव है, एक भी गांव में सड़क नहीं थी पक्की, सारी सड़कें मैंने बनाई। जाम बैठे ना, यहाँ बिजली नहीं थी, थी बिजली, वो बिजली आती थी 6-5 घंटा। तो गांव वालों ने कहा यार बिजली नहीं आती, हमारे कम आती है, हम शहर के नज़दीक, शहर से बिजली दिलाओ। तो मैंने 24 घंटे बिजली करा दी थी। तो काम में विश्वास रखता हूँ मैं, तो कराता हूँ। मेरा क्या है भाई, पैसे मेरे पास नहीं, लगाता मैं नहीं, फिर मैं किसके लिए कमाऊँगा? इन्हीं के लिए तो करना है मुझे, जनता के लिए। 5 साल के अंदर पिछले भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा रहा है यहाँ राजस्थान में? जो भ्रष्टाचार रहा कभी नहीं हुआ। हमारे अलवर जिले का जिला कलेक्टर ट्रेप हुआ, यहाँ का नगर परिषद का चेयरमैन ट्रेप हुआ, वाइस चेयरमैन ट्रेप हुआ, ADM ट्रेप हुआ, DYSP ट्रेप हुए, डॉक्टर ट्रेप हुए, पर अधिकारी ट्रेप हुए, नेता ट्रेप हुए, एक विधायक कांतिलाल मीणा उसके दोनों बेटे ट्रेप हुए, रिश्वत के मामले में रिश्वत लेते हुए ट्रेप हुए। तो ये सरकार तो भ्रष्ट है। गहलोत सरकार का कहना है या उनके नेताओं का कहना है कि BJP ED के माध्यम से डरा रही है कांग्रेस के विधायकों को। साहब ताजुब करते हैं, मैं तो ताजुब करता हूँ। राजस्थान के सचिवालय में और अलमारी के 3 करोड़ रुपए 1 किलो सोना मिल जाए, ये हम डरा रहे हैं? अगर ED नहीं हो ना, ये तो अब जिरा लेते अब तक, तो खा पी के खा तो गई। हमारे यहाँ 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया जल जीवन मिशन का, उसमें केवल 5,000 करोड़ लगाया, बाकी बैठे हैं। और जो जो टेंडर किए वो टेंडर अपने लोगों को कर दिए, डुप्लीकेट पाइप है, बोरिंग कम करना है, वो पानी नहीं मिल रहा गाँव को। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज TV।